बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में बेखौफ बदमाशों ने महज एक सिगरेट के लिए मना करने पर युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। उस पर तुर्रा ये है कि जब दो लोग उसे बचाने के लिए वहां पहुंचे तो युवकों ने उन्हें भी चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद तीनों को घायल अवस्था में नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है, जिसमें एक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। राजधानी में भले ही दिल्ली पुलिस अपराध पर नियंत्रण के लाख दावे करती हो, लेकिन लोग जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का है, जहां महज एक छोटे से विवाद में पहले तो कहासुनी हुई, जिसके बाद अज्ञात लोगों ने एक शख्स पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। इतना ही नहीं, जब पीड़ित को उसके जानकार बचाने के लिए पहुंचे तो बदमाशों ने उन्हें भी चाकू से वार कर घायल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सोनू नाम का एक शख्स कुछ सामान लेने के लिए पास की ही एक दुकान पर गया था, जहां कुछ असामाजिक तत्व के लोग पहले ही बैठे हुए थे। चश्मदीदों की माने तो सोनू जब सामान लेकर वापस लौटा तो दुकान के नजदीक बैठे हुए लोगों ने सोनू को सिगरेट खरीद कर लाने को कहा, जिस पर सोनू ने इनकार कर दिया। इतने पर गुस्साए युवकों ने सोनू पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। जानकारी के बाद जब सोनू को बचाने उसकी तरफ से दो लोग गए तो युवकों ने उन्हें भी चाकू से मार कर घायल कर दिया। वी वॉच के लिए दिल्ली से अजीत कुमार की रिपोर्ट। मेरे बेटे के छोटे वाले के 7 चाकू लगे हुए हैं जी, बड़े वाले के यहाँ पेट में लगा हुआ है, वो अभी उसको होश नहीं है। ठीक है जी, और सर में भी लगा हुआ है उसका, बड़े वाले के और छोटे वाले के 7 जगह लगा है। एक मेरा भांजा है, उसके हाथ में पता नहीं बाजू में भी लगे हुए हैं।